राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए दिन के साथ। और आज मैं आया हूँ निमराना फोर्ट में। सॉरी ब्लॉग लेट आ रहे हैं और मे भी आगे भी लेट ही आएंगे, क्योंकि भाई काम वगैरह इतना हो रहा है, इधर उधर जाना हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग बनाऊँ या अपने कामों को निपटाऊँ। आज आपको मैं दिखाता हूँ निमराना फोर्ट, और निमराना फोर्ट देख के बताना कि कैसा है। तो दोस्तों, ये निमराना फोर्ट है जो 1464 में बना था, ठीक है, और 552 साल पुराना है ये। तो सोचो यार, 552 साल पुराना किला, ओ भाई देखने में तो गजब लगेगा। और ऊपर से यहाँ पे ना होटल की सर्विस है, रूम्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। अपना अगर आप स्टे करना चाहो तो स्टे भी कर सकते हो, अच्छा है। अब आगे जाके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे जाके कि कैसा है क्या है। अब मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने भीतर से मैंने भी नहीं देखा। बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूँ मैं आपको आगे का नज़ारा। राजस्थानी गाने गाए जाते हैं यहाँ पे शाम को, अपना बढ़िया मन लगता है। लेकिन वो आपको वीकेंड के टाइम पे ही मिलते हैं। अब भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे वीकेंड के लिए रुका जाए। यहाँ पे रास्ते इतने ज़्यादा हैं, इधर जाओ उधर जाओ। देखो अब इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, इधर से भी है। मतलब कहीं को भी जाओ आप, चारों तरफ आपको रास्ते ही रास्ते मिलेंगे। मतलब भूल भुलैया वाड़ी है सारी जगह। और स्विमिंग पूल वगैरह भी हैं यहाँ पे, स्विमिंग पूल वगैरह भी देखें। चलिए अब आगे को चलते हैं। ये है हवा महल, तो हवा महल की तरफ चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ना आपको बैक साइड से, वो ये वाला पोर्शन है इसका, ये है इसका बैक साइड। भाई इतना घूम गया हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बैठ जाते हैं अपना। ओ भाई बाकी ये है कि भाई एक जना साथ होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता, कोई तो आ जाता। मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ गया कि अभी जाना है वहाँ पे ब्लॉग बनानी है।
दोस्त वगैरह कोई रेडी, मतलब सबको काम थे, उन्होंने कहा भाई कल चलेंगे परसों चलेंगे करके डेली डिले हो रहा था, तो इसलिए मैं अकेला ही आ गया। मैंने सोचा अकेला ही घुमा जाए, अकेला ऐसा घुमा जा रहा है, देख लो कैसे घुमा जा रहा है अकेले। यार कोई साथ में होता है ना बोलने चलने वाला तो अच्छा रहता है, मज़ा आता है, बात करते रहो, कुछ वो बोलता है कुछ हम बोलते हैं, डायलॉग बाजी। अब अकेले इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, जैसे भी वीडियो प्लीज़ देख लेना और वीडियो में बने रहना आगे को। मुझे नहीं पता कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, लेकिन आएंगी। पहले ये ऐसा था गार्डन जैसे आपने फ़ोटो में देखा, और अब देखो कितना बढ़िया बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अपना मेंटेन रख रहे हैं हर चीज़ को। ये यहाँ पे देखना हर चीज़ में बढ़िया कर दिया पहले से, और सही है। यहाँ का पैसा अगर यहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हवा महल भी घूम लिया हमने। तो भाई ये देख रहे हो आप, ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और अगर आपका मन हुआ आने का तो ज़रूर विज़िट करें, नाइट में तो और भी अच्छा लगता है यहाँ से। अभी तो डे है, खैर नाइट में जब लाइटिंग होती है ना, पूरे महल में लाइटिंग होती है। मैं आपको इसमें पिक वगैरह या थोड़ी सी वीडियो क्लिप डाल दूँगा, आप वो देखना, मेरे दोस्त ने बनाई थी। भाई इतना गजब लगता है, इतना गजब लगता है, पूछो मत। मतलब नाइट का तो व्यू ही है देखने को। नाइट में यहाँ पे वीकेंड पे फंक्शन वगैरह भी होते रहते हैं, कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी किसी की पार्टी आ जाती है, तो वो सिंगर वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, लाते हैं सिंगरों को, बुलाते हैं, अपना पार्टी वगैरह होती है, तो अच्छा लगता है नाइट में भी। पता नहीं हमारे किस्मत में कब होगा नाइट स्टे और कब घूमेंगे हम यहाँ पे, अभी तो फ़िलहाल दिन में ही घूम लेते हैं। बाकी आप देखिए, ये है भाई घोड़ा, लकड़ी की काठी, ये लकड़ी का नहीं है, ये तांबे का है। तो यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूँ अब आपको ऊपर ले जाके, उस साइड में जाते हैं, उस साइड में देखते हैं क्या है, ठीक है। अब अकेला हूँ भाई, मुझे कुछ पता नहीं है, अननोन हूँ मैं यहाँ के लिए, अब भी अननोन हो, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। अगर आप नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो, क्योंकि भाई ठंड है, मुझे तो नहाना नहीं है, मैं नहीं नहाऊंगा भाई, ठंड हो रहा है, ठंड हो रहा है। यार ये इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ घूमूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें देख रहा हूँ, रूम्स वगैरह इतने अच्छे से देखो, अभी पेंटिंग वगैरह भी हो रही है यहाँ पे।
तो दोस्तों अब यहाँ पे आ गया हूँ रूम्स की तरफ में। यहाँ पे रूम्स के ना नाम होते हैं, जैसे रूम वगैरह है ना, तो यहाँ पे रूम के नाम होते हैं। जैसे किसी का कुछ रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, तो नंबर नहीं होता, नाम होते हैं। और यहाँ पे है, ये है पर्वत, तो ये है पर्वत महल, ठीक है। और पर्वत महल में चलो देखते हैं अंदर जाके कि कैसा है पर्वत महल। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं सर, बताइए। रूम्स वगैरह देख रहे थे क्या? ये पर्वत महल है? ये भी सर एक रूम है इस होटल का, जिसका नाम है पर्वत महल। अच्छा, जिसका प्राइस ये 70,000 प्लस टैक्स का रूम है। 70,000 प्लस, तो ये 70,000 प्लस टैक्स है इसका। अच्छा, ये तीन लोगों के ऑक्यूपेंसी का रूम है ये। अच्छा, तो अच्छा रूम में ही आता है समझ गए। अच्छा, हेयर ड्रायर वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा लग रहा है। तो क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या भी है आगे? सर डबल बेड के साथ कपल के साथ यहाँ 7,500 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। बाकी आप फिर 40,000 तक के रूम आप यहाँ से अवेलेबल हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो अभी जहाँ पे अभी जो रूम देख पा रहे हैं आप, ये एक नई विंग में जो हमने बाद में बनाया। अच्छा, बाद में बनाया ये सब? बाद में बनाया नई विंग में। अच्छा, जो ये जो अभी आप किले में आए हुए हैं, ये किला पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, राजा राजदेव सिंह चौहान। अच्छा, जो 1464 में यहाँ पे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने किला बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, जो लास्ट के राजा थे वो राजेंद्र सिंह चौहान थे यहाँ पे, जो 1942 तक इस किले में थे, लोगों पे राज करते थे। अच्छा, लोगों पे राज करते थे? हाँ, राजाओं का काम तो सर लोगों पे राज करना ही था। 1942 तक यहाँ पे राज रहा है। जो लास्ट के राजा थे राजेंद्र सिंह चौहान, वो यहाँ पे थे सर। ये क्या था, 1986 में जो लास्ट के राजा थे राजेंद्र सिंह चौहान, अच्छा, उनसे इसको परचेज किया गया। अच्छा अच्छा, और इसका 5 साल तक रनवेट किया गया और 91 से ये हमने 12 रूमों के साथ निर्मला फुट के नाम से होटल स्टार्ट किया हुआ। अच्छा, 5 साल तक रेनोवेट हुआ है। उसके बाद समझ सकते हो 5 साल लगे इसे रेनोवेट करने में। रूम ही तैयार कर पाए 5 साल में। यहाँ पे इन्होंने पूरी सेफ्टी दे रखी है, जैसे कीड़े वगैरह आ सकते हैं इस साइड से, तो पूरी जाली लगा रखे हैं, नेट लगा रखे हैं, फिर अपना बढ़िया कर रखा है पैक सिस्टम। तो आप अगर आते हो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी। मैं आऊँगा यहाँ पे अगेन और नाइट स्टे ज़रूर करना मुझे यहाँ पे। तो ये रूम के साथ पर्सनल बालकनी भी देगी है, जहाँ पे देखो चेयर्स वगैरह हैं, आप इंजॉय कर सकते हो अपना टी टाइम, लंच टाइम